से यही साबित होता है कि तुम्हारी बेटी के किडनैप के पीछे तुम्हारा ही हाथ था आदित्य गुप्ता। तो ये आदित्य गुप्ता कि अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ टेढ़ी आंख करके देखा ना तो मैं यहां तुम्हें जमीन पर खड़े होने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं जो भी कर रही थी अपने दोस्त के लिए कर रही थी और मैंने भी जो कुछ किया अपने दोस्त के लिए किया। इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम काम अपने आप को बचाना। किससे? पुलिस से। आज तुमने सचमुच ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटे हो। लेकिन अबूजान, आप भूल रहे हैं कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं थे। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? आप दोनों बाप बेटे किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई अपने सर्वर मियां, जो इस पूरे मिशन में नरगिस के साथ साया बनकर रहा है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुम मुस्कुरा रहे हो। अच्छा ओके बताता हूँ। ओके वो कुछ गुंडों के साथ हाथापाई हो गई थी बस। गुंडे से? बाजी वो किडनैपर्स के साथ दो दो हाथ हो गए और बस उसी में थोड़ी खरोच आ गई। इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए किया था ना ये सब? क्या बाजी आप अपने छोटे भाई को इतना खुदगर्ज समझती हैं? अरे कसम ले लीजिए ऐसा कोई वाहियात ख्याल मेरे जहन में आया ही नहीं। और किसी लड़ाई या झगड़े के वक्त अपनी बहन को भूल जाते हो, याद नहीं रखते उसे? याद रखता हूँ ना, तभी तो कामयाब होके लौटता हूँ मैं। अब चलिए खाना खाते हैं, कम ऑन आइए। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। अल्लाह करे तुम हमेशा यूं ही खुश रहो, हंसती रहो। क्या? नहीं, क्या देख रही हो? चलो जाओ सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अम्मी जान, आई लव यू, आई लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बच्ची को यूं ही खुश रखना, बाकी सब मैं संभाल। हाय हाय क्या बात है, क्या तेवर है, जान सकती हूँ? अमीना विला की शहजादी जा कहाँ रही है? नानी जान आप लगती तो बड़ी समझदार हैं, फिर बार बार एक ही गलती क्यों दोहराती हैं? जैसे? जैसे कि बाहर जाते वक्त बिल्ली की तरह रास्ता काटना मनहूस होता है। और आप अक्सर यही गलती कर जाती हैं। तुम
हमारी अम्मी जान को बिल्ली का दर्जा दे रही हो? छोटी अम्मी जान, हमारा रास्ता सिर्फ आपकी अम्मी जान ने ही नहीं, आपने भी रोका है। ए लड़की, छोटे बड़ों से बात करने की तमीज सीख, वरना 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 क्या हा? और तमीज मुझे आपसे सीखनी पड़ेगी, आप सिखाएंगे मुझे तमीज? मैं अगर तमीज सिखाने पे आ गई ना तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अम्मी जान, हमारा दिल ये कहता है कि आपको इसे तमीज सिखानी ही पड़ेगी। हम आपको छोटी अम्मी जान कहते हैं और इसीलिए अदब के दायरे में रहकर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। ये तहजीब, तमीज, ये सारी चीजें इल्म से आती हैं। अफसोस, अफसोस कि आपको इल्म क्या है वो ही नहीं पता। और रहा सवाल मुझे तमीज सिखाने का, तो याद रखिएगा, मैं फरमान इलाही की बेटी हूँ, कोई परिंदा नहीं जिसे आप कैद कर लेंगे। ए लड़की, तू जुबान कितनी भी लंबी कर ले, मगर मेरी भी एक बात याद रख, 100 सुनार की होती है मगर लोहार की एक ही चोट सारा काम तमाम कर देती है, याद रखना मेरी बात। ठीक है, वो दिन भी हम देख लें। अम्मी, इस लड़की के तेवर कुछ ज्यादा ही उफान पर है। इसके उफान भरते तेवर को कदमों के नीचे नहीं कुचला तो मेरा भी नाम सईदा नहीं। नहीं ईशान, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपने फैसले को नहीं बदल सकती। ये जानते हुए भी कि मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, अपने वालदीन के खिलाफ जाकर अगर आप मुझसे निकाह कर लेना तो बहुत बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। गुनाह ना हो, इसीलिए एक साल तक अपने अब्बू को उनका फैसला बदलने की इल्तिजा करता रहा, लेकिन उनकी अना मेरी इल्तिजा को कबूल नहीं कर पाई। तो फिर आपको उनका फैसला कबूल कर लेना चाहिए था। कैसे मान लूं रुखसाना, कैसे तोड़ दूं वो वादे जो मैंने तुमसे किए हैं, कैसे भूल जाऊं उस पाकीज़ा मोहब्बत के एहसास को जो मेरे दिल में धड़क रहा है, कैसे? यकीनन अगर आपके दिल का भी यही हाल है तो रह लीजिए हमारी तरह तन्हा, ये मंजूर है हम। लेकिन आपके वालदेन ने जो बच्चलन होने का दाग लगाया है हम पे, जब तक वो धुलता नहीं है तब तक आपके जिंदगी में शरीक होना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कैसे समझाऊं आपको ईशान? रुखसाना, अगर ये दाग तब धुलेगा जब मेरे अब्बू जान तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पर रिश्ता मांगने आएंगे, तो मुझे अफसोस है कि ये नामुमकिन है। लेकिन आपके मोहब्बत के सहारे जीना हमारे लिए मुमकिन है। यकीन मानिए, आपके वफाओं पर कभी उंगली नहीं उठाएंगे। तो फिर ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो तुम भी मेरी एक बात सुन लो, मैं भी जब तक तुम्हारे दामन से बच्चलन होने का दाग मिटा नहीं दूंगा तुमसे निकाह की बात नहीं करूंगा। ईशान भाई एक मिनट प्लीज। बाजी, ईशान भाई, आप लोगों की बातों में मैंने खलल नहीं डाला, अब आप लोग प्लीज मेरी बात जरा खामोशी से सुनिए। आपके वालिद साहब से मैं जाकर मिलूंगा। कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बाजी, जरूरत है। हम आप दोनों को अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते, इसीलिए जरूरत है। सरवर भाई,
आपके जज्बे की मैं कद्र करता हूं, लेकिन यह बात पक्की है कि मेरे अब्बू नहीं मानेंगे। अरे मेरे अब्बू के आगे मेरे उनकी अपनी औलाद के जज्बात कुचले गए तो वहां किसी गैर की क्या बिसात। चलो देखते हैं मेरी मोहब्बत जीतती है या मेरे अब्बू की आना। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। फियामान बाजी जी, अल्लाह पे यकीन रखिए सब ठीक हो जाएगा बाजी। मैं भी जब तक तुम्हारे दामन से बच्चलन होने का दाव मिटा नहीं दूंगा तुमसे निकाह की बात नहीं। हमारी नरगिस आज उदास क्यों है? कुछ नहीं अम्मी जान, वो सर में दर्द है इसलिए बस। देखो नरगिस, तुम सारी दुनिया से अपने एहसास छुपा सकती हो मगर हमसे नहीं। बताओ क्या बात है? बात नहीं जान सके इसीलिए तो परेशान है अम्मी जान। बात नहीं जान सकी और परेशानी लेकर बैठी हो? जी अम्मी जान। पूरी तरह से बात बताओ हमें कि आखिर माजरा क्या है। वो अम्मी जान, हम सर्वर के घर गए थे, हमने सर्वर और रुखसाना बाजी की बातें सुनी। सिर्फ इतना ही जान सके अम्मी जान। और फिर आप ही तो कहती हैं कि किसी की बातें छुपकर सुनना गुनाह है। वजह जाने बिना परेशान होना बेवकूफी है। कम से कम उनके दर्द की वजह तो जान लेती। हाँ लेकिन अम्मी जान, किसी की पर्सनल लाइफ की बातें कैसे पूछ सकते हैं हम? सर्वर को तुम अपनी हर प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं करती? जी हाँ करते तो है लेकिन। दोस्त मानती हो और अगर उसके दर्द को दूर कर सकती हो तो वो बताए ना बताए तुम्हें खुद पूछ लेना चाहिए। अगर उन्होंने बुरा मान लिया तो? अगर वो सच्चा दोस्त है तो बुरा नहीं मानेगा। काजल बेटे तू सच मान इस बात को, तेरे बगैर बहुत तड़पा हूं मैं मानता हूं कि जब तू मेरे पास थी तो मैंने कभी भी तेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा, लेकिन तेरी दूरी ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया। लेकिन मैं अपनी ये टूटन किसी को दिखा भी तो नहीं सकता था, खासतौर से तेरी माँ को, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका दिल कमजोर है, वो मेरी टूटन देखकर और टूट जाएगी। पापा, पापा मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे पापा, और उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था जब वो लोग कहते थे कि तुम्हारा बाप शराबी है, तुम मर भी जाओगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। लेकिन मैं जानती हूं
मेरे पापा शराबी हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो मेरे पापा हैं। हाँ बेटे, बेटे तुम्हारे पापा अब तुम्हारे किडनैपर्स को पता चलेगा कि आदित्य गुप्ता की बेटी का अगवा करने का क्या अंजाम होता है। बस बस मुझे सिर्फ एक बार ये बता दे कि उन लोगों ने अगवा करके तुझे रखा था। फिर देखना। करजत के पास एक गांव में, वो तो उस दिन देख, तेरे को बात तो मैं मोबाइल पे भी करवा देता हूँ, लेकिन तेरी माँ है ना बड़ी शातिर है, वो हमारा गेम बजवा देगी, इसलिए तुझे हमारे साथ पीछे पर चलना पड़ेगा। अगर नरगिस ने एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज नहीं निभाया होता तो मैं शायद आपके पास कभी नहीं आ पाती। बेटे मैं समझता हूँ इस बात को, वाकई में आज अपने आप पर मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैंने हमेशा नरगिस को गलत समझा। पूछो अपने मामा से, पूछो मैंने कितना बुरा भला कहा है उस लड़की को, लेकिन आफरीन उस बहादुर लड़की पर जिसने अपनी जान पर खेल कर भी अपनी सहेली की किस्मत को बचा लिया, उसे यहां अपने मां बाप के पास तक ले आई। बल्कि मैं तो कहता हूं कि महिला संगठनों को उसको अवार्ड देना चाहिए, समारोह करने चाहिए। महिला संगठनों को तो बाद में, रंजना पहले तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक तो तुम्हारी बेटी वो तुम्हारे पास लेकर आई और दूसरे तुम्हारे पूरे 1 करोड़ रुपए उसने बचाए हैं। अरे तुमको तो बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करनी चाहिए। अब बोलो कब का अरेंजमेंट कर दूं मैं? कर दूंगी, वक्त आने पर वो भी कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी एहसान करने वालों को और परेशान करने वालों को जवाब देना आ गया है मुझे। चलो बेटा। तो चींटी के भी पर निकलने लगे हैं। परमान साहब, किन ख्यालों में खोए हुए थे आप, हमें भी तो बताइए। शमा हमें यकीन नहीं आ रहा है कि इस दुनिया में एक बाप अपनी बेटी को अगवा करवा सकता है। किसकी बात कर रहे हो? आदित्य की और किसकी? आदित्य भाई साहब। हाँ शमा, आदित्य ने ही अपनी बेटी काजल को अगवा करवाया था। मगर ये आप कैसे कह सकते हैं? कई वजूहात हैं जो आदित्य को एक जलील और कमजोर इंसान साबित करती है। मगर वो इतनी घिरी हुई हरकत क्यों करेंगे? शमा, आदित्य के मौका परस्त और खुदगर्ज किरदार से हम कॉलेज के जमाने से वाकिफ हैं। लेकिन उसने अपनी बेटी काजल को अगवा क्यों करवाया? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। खैर, हमारा बेटा कहाँ है? आपका बेटा सारे जमाने का दर्द खरीद लेना चाहता है, चाहे वो काजल का हो या सर्वर का। आखिर बेटा किसका है? हमारा। तो ये बताएं कि ये हमारा बेटा है कहाँ इस वक्त? अपने कमरे में। हम जरा मिलकर आते हैं। नरगिस बेटा। अरे बुजान। भाई जमाने भर की तरफ नजरें की रहती हो, कभी अपने अब्बू जान की तरफ भी नजरें उठाकर देख लिया कीजिए। अब्बू जान, अपने अब्बू जान की नजरों को अपनी तरफ रखने वाला उनका ये बेटा कभी उनकी नजरों से आजाद ही कहां होता है।
जो कहीं और देखे। माशाल्लाह, हर बार की तरह इस बार भी आपने अपने अब्बू की बोलती बंद कर दी। अब्बू जान, ये हुनर भी तो हमें आपने ही सिखाया है ना। बहुत खूब। अच्छा बेटा, हाँ? आज हम आपके साथ एक बहुत राज की बात करना चाहते हैं। राज की बात? सुनाइए। तो सुनिए, बात यह है कि काजल के मामले में आपकी बहादुरी को देखते हुए हम आपके लिए कुछ खास करना चाहते हैं। जैसे? जैसे जैसे एक बिग पार्टी। वाओ, पार्टी? नो 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 नो। व्हाई नो 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 नो? अब्बू जान, पार्टी देने से लोगों में हमारी शान बढ़ेगी, नाम होगा, लेकिन हम जिस इनाम के हकदार हैं, वो तो हमें नहीं मिलेगा ना। ऐसी बात है। तो चलिए आप बताइए कि आपको क्या इनाम चाहिए। अब्बू जान, हमें आपकी और अम्मी जान की दुआओं के साथ साथ दादी जान की भी दुआएं चाहिए। इसलिए बेहतर ये होगा कि पार्टी के बजाय दादी जान को एक खूबसूरत तोहफा देकर उनकी ढेर सारी दुआएं ले जाए। क्या ख्याल है? हमारा ख्याल ये है कि आज के जमाने में ऐसी सोच हमारे बेटे की सिवा और तो किसी की हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें नाज है। तेज है।